अर्चना का मास्टर स्ट्रोक आखिर कौन था निशाने पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यही सीख के आई है अर्चना गौतम और उन्होंने इसको बाखूबी निभाया भी है। मगर दोस्तों, इसके पीछे जो दिमाग है वो भी काफी शातिर है। अर्चना जिस तरह दिखाती है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं रियल हूं, मगर असल में वो गेम को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। ये दर्शाता है उनका रिसेंट वाला मास्टर स्ट्रोक जो नॉमिनेशन में था, जिसमें प्रियंका भी झांसे में आ गई। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रियंका की टीना से बहुत अच्छी दोस्ती है और इसीलिए टीना को हमेशा वो सपोर्ट करती हुई आजकल नजर आ रही है। दोस्ती है, निभा रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे जो दोस्ती ऑन ऑफ होती रहती है वो है अर्चना के साथ। अर्चना कभी दोस्त है, कभी लड़ाई होती है, कभी दोस्त नहीं होती है, कभी अर्चना से बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई हो जाती है जिसमें एक दूसरे को वो चीर के रख देती है। मगर दोस्ती ऑन ऑफ हो या कुछ भी हो, जब कोई सलाह होती है तो प्रियंका को अर्चना हमेशा सही एडवाइस देती नजर आती है। मगर इस बार जो प्रियंका को उन्होंने एडवाइस दी, जो बाद में उन्होंने खुद कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि शिव को नॉमिनेट करो ताकि वो बौखला जाए, तो इसके पीछे क्या शिव ही निशाना था अर्चना का? अगर हम लॉजिकली जाएं तो शिव निशाना नहीं था दोस्तों, ना ही प्रियंका निशाना थी, निशाना थे शालिन और टीना। क्योंकि लास्ट वीक जब नॉमिनेशन हुआ था जिसमें शालिन और टीना थे नॉमिनेशन में और साथ में थी अर्चना की सबसे डियर फ्रेंड सौंदर्या, और सौंदर्या चली गई, और गई किस वजह से? शालिन और टीना की वजह से। क्योंकि शालिन और टीना ने इतना कुछ बोला है सौंदर्या के बारे में, इतने सारे नरेटिव दिए हैं, बदनाम किया है सौंदर्या को, और ये बात दिल में चुभ गई है अर्चना के। ये बात तो हम समझ सकते हैं क्योंकि ये दोस्त का दर्द अर्चना अच्छे से समझती है। इसीलिए जब उनको ये दिखा कि अगर हम में तीनों में से कोई, यानी अर्चना या फिर एमसी स्टैन या फिर सुम्बुल, इन तीनों में से कोई नॉमिनेट हो जाता है तो शालिन और टीना फिर से बच सकते हैं दोस्तों। ये अर्चना का शातिर दिमाग बकायदा सोच सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका जहां तक मुझे लगता है वो शिव को नॉमिनेट करने वाली नहीं थी, क्योंकि शिव ने प्रियंका को नॉमिनेट नहीं किया। वो दोनों जानते हैं कि हम दोनों सॉलिड प्लेयर्स हैं, अभी हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए किसी और को भेजना ही ठीक रहेगा, यानी कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी। मगर प्रियंका ने शिव को नॉमिनेट कर दिया ना चाहते हुए भी। तो यहां पे अर्चना जो प्रियंका को बाद में ये कहती हुई नजर आती है कि हमने जो सोचा था या मैंने जो सोचा था, क्योंकि अकेले भी वो यही बातें करती नजर आती हैं, वो हो गया, शिव हो गया नॉमिनेट और वो बौखला रहा है। जबकि हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही बौखला रहे हैं, जहां पे शिव की बौखलाहट अर्चना बार बार बोल के और प्रियंका बार बार बोल के बता ही रही है, वहीं पे प्रियंका की भी बौखलाहट नजर आ रही है। क्योंकि नॉमिनेशन होना और बहुत जोर शोर से बोलना कि मैं करती हूं, मुझे निकाल के दिखाओ, ये सब चीजें भी अर्चना के फेवर में ही जा रही हैं, क्योंकि अर्चना बहुत अच्छा खेली है ये पूरा सीजन दोस्तों। उसने अपने हर तरह के शेड्स दिखाए हैं और अब लास्ट वीक्स में वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, 1% भी नहीं लेना चाहती है नॉमिनेशन में आके। इसलिए जब एमसी स्टैन और शिव ने उसको नॉमिनेट किया तो वो बौखला गई, उसने इतना ज्यादा शोर मचाया, खास करके उस बात को लेके जो एमसी स्टैन ने कहा था कि शेमड़ा लगाते हुए जा रही थी, जो भी था, तो उसपे वो बहुत बौखलाई। तो ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया में असल में बौखलाई अर्चना, और जब प्रियंका ने शिव को नॉमिनेट कर दिया और शिव हो गए नॉमिनेट, तब अर्चना की सांस में सांस आई, क्योंकि उसको लास्ट मोमेंट पे भी लग रहा था कि अगर प्रियंका शिव को नॉमिनेट नहीं करेगी तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि फिर अर्चना नॉमिनेट हो जाती। और दोस्तों ये उसका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वो चाहती है कि शालिन और टीना में से ही कोई बाहर जाए, शिव और प्रियंका तो जा नहीं सकते हैं। अगर शालिन टीना के साथ कोई तीसरा
ऐसा खिलाड़ी आ जाता है जो इनसे कम रहेगा, सौंदर्य की तरह रहेगा, तो वो बाहर हो सकता है। और अर्चना अगर होती तो अर्चना भी बाहर जा सकती थी, क्योंकि टीना और शालिन चाहे नेगेटिव ही लग रहे हैं मगर वो फोटेज जनरेट करते ही जा रहे हैं, टीआरपी क्रिएट करते ही जा रहे हैं। तो ये बातें अर्चना बाखूबी समझती है। अगर किसी को कहना हो एड़ा बढ़ के पेड़ा खाना, तो उसमें अर्चना नंबर वन पे आती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.